क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन इज रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन. यू हैव टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. टू वेरिएबल्स आर देयर, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू विल टेक आउट वैल्यू ऑफ एक्स. सो रूट थ्री वाई यू विल टेक दैट साइड, इट विल बिकम माइनस रूट थ्री वाई. एक्स विल कम माइनस रूट थ्री ओवर रूट टू वाई. दिस वैल्यू पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री ओवर रूट टू. यू कैन राइट रूट थ्री रूट टू टुगेदर ऑल्सो, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन राइट, बोथ आर करेक्ट. वाई इन इक्वेशन टू वी गेट, इन इक्वेशन टू यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री ओवर रूट टू माइनस रूट एट वाई एज इट इज इक्वल टू जीरो. रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री. सो माइनस थ्री ओवर रूट टू माइनस रूट एट वाई. रूट एट वाई नथिंग इज देयर, सो यू कैन राइट वन. नाउ सी केयरफुली, एलसीएम ऑफ रूट टू एंड वन इज रूट टू. नाउ माइनस थ्री इंटू रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू इज वन. माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री. माइनस थ्री विल कम हेयर. नाउ रूट टू डिवाइडेड बाई वन इज रूट टू. सो रूट एट इंटू रूट टू विल बी रूट सिक्सटीन. रूट सिक्सटीन इज फोर. सो यू विल राइट हेयर माइनस फोर वाई. एंड हेयर ऑलरेडी वाई विल कम बिकॉज हेयर वाई इज ऑल्सो देयर. सो माइनस सेवन वाई ओवर रूट टू इक्वल टू जीरो. बिकॉज जीरो इज ऑलरेडी देयर, सो यू हैव टू राइट इक्वल टू जीरो. सो वाई विल बी इक्वल टू जीरो इंटू रूट टू ओवर माइनस सेवन. जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो. जीरो ओवर माइनस सेवन इज जीरो. सो वाई वैल्यू केम जीरो. दिस वैल्यू यू विल सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन. यू विल हेयर इक्वेशन टू विल कम. ओके, इक्वेशन टू. इक्वेशन वन तो यू आर टेकिंग वैल्यू, यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर टू. नाउ वाई केम जीरो, यू विल पुट इन सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन. एनी वन इक्वेशन यू कैन पुट. Now, if you will put in putting value of y equal to 0 in first equation, suppose you are putting in first equation, you will get root 2x plus root 3 into y value is 0. So, you will put here 0 equal to 0. So, root 2x is equal to 0 minus 0, 0. So, x will come 0 over root 2, that is 0 only. So, x value will come 0 and y value will come 0. Here you will substitute x 0, root 3 into 0, 0. Here also 0, 0 minus 0 is 0. That means you have done correctly. Thank you.